अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहनाज सिद्दीकी है। मैं क्वींसकर हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारा 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और हमारी स्पेशलिटी बेसिकली पीडियाट्रिक है एंड मटर्निटी है। हमारा 10 बेड का NICU भी है जो काफ़ी बेहतरीन है। उसमें 24/7 डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। हमने अभी हाल ही में 800 ग्राम बच्चे को एकदम सक्सेसफुली मैनेज करके घर भेजा। हमारे पास NICU में बेहतरीन मशीनें हैं, लाइक प्री मैच्योर बेबीज़ के लिए हमारे पास इनक्यूबेटर्स हैं। हमारी OT की जो मशीनें हैं वो काफ़ी लेटेस्ट है और हमारी OT में हर तरह की सर्जरी आप करवा सकते हो और हमारी जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी बेहतरीन है विद अफोर्डेबल प्राइजेस के साथ। थैंक यू। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। खाना बनाने के विवाद में एक मजदूर ने दूसरे मजदूर की हत्या कर दी है। मामला भिवंडी शहर के निजामपुर पुलिस स्टेशन की हद में वंजार पट्टी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब एक लोहे के गेट के पीछे एक ताखा यानी कि कच्चा कपड़ा चेकिंग करने वाले फैक्ट्री के अंदर दो मजदूर आपस में ही खाना बनाने की बात को लेकर भिड़ गए, जिसमें से एक मजदूर जिसका नाम पिजू बर्मन उम्र 25 साल है, इसने अपने साथी मजदूर के ऊपर खाना बनाने को लेकर दोनों मजदूरों में पहले तो कहासुनी हुई। उसके बाद कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक मजदूर जिसका नाम पिजू बर्मन है उसने हमला करते हुए अपने साथी मजदूर को पत्थर से मारकर दीपक बर्मन नाम है जिसका उम्र 35 साल है उस मजदूर को मौत के घाट उतार दिया। ये दोनों ही मजदूर मूल रूप से बंगाल के रहने वाले थे। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर निजामपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर नरेश पवार और खुद ACP सुनील वटके अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच करने के बाद शव को भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल रवाना कर दिया है, जिसके बाद वहीं खुद कंपाउंड में आरोपी मौजूद था। पुलिस ने तुरंत उसे भी ताबे में ले लिया। गहन पूछताछ की कि आखिर उसने अपने साथी मजदूर को क्यों और किस हथियार से मारा। शुरू में इस आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने पत्थर मारकर अपने साथी मजदूर की हत्या की है। फिलहाल पुलिस आगे इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।